ahí abajo. To, so name es Faga. दो सीटों से इस प्रचंड बहुमत तक अगर बीजेपी आज पहुंची है तो इसके पीछे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का योगदान भुला नहीं जा सकता। पिछले 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया, पूरा राष्ट्र शोक में डूब गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अटल जी की अंतिम यात्रा में बीजेपी दफ्तर से अटल समाधि तक पैदल गए। मोदी कल दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन शपथ से पहले सुबह ही मोदी अटल समाधि पर जाएंगे, अटल जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे। अटल समाधि पर माथा टेकने के बाद शाम को 7 बजे मोदी देश के प्रधानमंत्री पद की दोबारा शपथ लेंगे। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दूसरी पारी की तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के ही प्रांगण में कल वो शपथ लेंगे। तमाम अन्य भी कैबिनेट में जो मंत्री होंगे वो सब शपथ लेंगे। 6,500 अलग अलग देशी और विदेशों से मेहमान पहुंच रहे हैं इस समारोह में शामिल होने के लिए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, विपक्ष के कई दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन नहीं पहुंच रही है तो ममता बनर्जी। बड़े बड़े दिग्गज होंगे, नेता होंगे, अभिनेता होंगे, देसी होंगे, विदेशी भी होंगे। हजारों मेहमानों के बीच कल शाम नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। माना जा रहा है कि उनके साथ 40 मंत्री भी शपथ लेंगे। बीजेपी और राष्ट्रपति भवन के लिए कई मायने में ये शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक होगा। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में 6,500 लोगों को न्योता भेजा गया है। पहली बार राष्ट्रपति भवन में इतने मेहमानों को एक साथ न्योता दिया गया है। 2014 में भी नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। ये चौथा मौका होगा जब राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल की जगह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर भी राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बिम्सटेक देशों के प्रतिनिधियों के अलावा ढेर सारे विदेशी मेहमान भी शामिल होंगे। यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी समेत विपक्षी दलों के तमाम नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले तो शपथ ग्रहण में आने के लिए हामी भरी थी, लेकिन आज उन्होंने साफ कर दिया कि वो शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत नहीं करेंगी। कौन आए कौन नहीं आए ये तय करने का काम ममता जी करेंगे कि हम लोग करेंगे, और इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको पॉलिटिकल रंग देने की आवश्यकता नहीं थी। हम तो ना उसको पॉलिटिकल रंग देना चाहते हैं, पर हाँ उन कार्यकर्ताओं का हमने जरूर स्मरण किया है जिनका हम पर बलिदान हुआ। शपथ ग्रहण समारोह के लिए राष्ट्रपति भवन में तैयारियां जोरों पर चल रही। मोदी की बड़ी जीत के बाद शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए राष्ट्रपति भवन तमाम इंतजाम करने में जुटा हुआ है। युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट